हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रैकर्स में आपका। फ्रेंड्स, सीआरपीएफ भर्ती फॉर्म किस प्रकार से भरना है, मैंने देखिए फ्रेंड्स एक प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था कि ये जो फॉर्म है आपको किस प्रकार से भरना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि सर और क्या करना है, मुझे सिर्फ फॉर्म भर के अपलोड कर देना है या फॉर्म भर के सिर्फ भेज देना है या क्या करना है, मुझे पूरे डिटेल में बताइए। तो उसके लिए मैंने डिटेल में ये वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आप सीआरपीएफ भर्ती से कोई भी रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं डायरेक्ट जो है ना ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म में डायरेक्ट लेके आ चुका हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल जीडी थ्रू एलडीसीई। मैंने बताया फ्रेंड्स कि आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसमें कलर्ड फोटोग्राफ लगा देना है। फोर्थ नंबर जो बताया मैंने बताया फ्रेंड्स कि जो अगर आप सीआरपीएफ में हो पहले से, एक्स सर्विस मैन हो, तभी आपको ये फॉर्म भरना है। फोर्थ नंबर का नहीं हो तो आपको फॉर्म ये इसका नो कर देना है। रैंक वाइज सिर्फ सीआरपीएफ के जवानों को भरना है। देखिए फ्रेंड्स आपको कौन कौन से भरने हैं मैं आपको डिटेल वाइज बता देता हूँ। नेम ऑफ एप्लीकेंट आपको ये भर देना, तीसरा नंबर नेम ऑफ एप्लीकेंट तीसरा नंबर भर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए, डेट ऑफ एनलिस्टिंग ये आपको नहीं भरना है क्योंकि डेट ऑफ एनलिस्टिंग जब एनलिस्ट किए गए थे एक्स सर्विसमैन तभी उनको ये फॉर्म भरना था। यूनिट ऑफ एस ये भी आपको नहीं भरना है। एडुकेशन क्वालिफिकेशन जरूर भर दीजिएगा। कैटेगरी आपके कौन से है ये आप जरूर भर दीजिए। ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्म नहीं भरना है। देखिए ग्रेडिंग जो है वो आपको सीआरपीएफ के जवान ही फॉर्म भर सकते हैं ग्रेडिंग का। वेदर रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल नेशनल स्टेट फोर्स लेवल, जो अगर आपके कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट्स आपने अगर खुद से किए हैं उसके कुछ सर्टिफिकेट्स हैं तो ज़रूर आप इसके फॉर्म यहाँ पर आप कुछ लिख दीजिए। डेट ऑफ पनिशमेंट रिवॉर्ड्स इफ़ एनी, अगर आपके पनिशमेंट डिटेल्स ऑफ पनिशमेंट, तो अगर आपको कभी भी सीआरपीएफ में अगर रहते हुए कोई भी पनिशमेंट मिली है रिवॉर्ड मिली है तो उसके बारे में भी आप कुछ जानकारियाँ लिख सकते हो। वेदर एनी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम और हर, तो ये भी आपके लिए बताया गया। देखिए फ्रेंड्स मैंने बस यही बताने के लिए आपको प्रयास किया हूँ कि जो टॉपिक है ना, जब भी आप कोई पासपोर्ट फॉर्म भरते हो तो उससे पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन होता है। वेदर एनी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम और हर, तो ये बातें याद रखते हुए, ये बात मद्देनजर रखते हुए ही आपका जो पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपका फॉर्म फिल होता है, याद रखिए फ्रेंड्स। परमानेंट एड्रेस के बारे में बता दूं फ्रेंड्स कि परमानेंट एड्रेस आपको फुल भरना होगा, फ़ोन नंबर आपको भर देना होगा, ईमेल आईडी आपको फॉर्म अपने फॉर्म के साथ लिख देना होगा, डेट जिस डेट को आप फॉर्म को स्पीड पोस्ट कर रहे हो उस डेट का डेट लिख दीजिएगा, प्लेस आप कहाँ से किस प्लेस से फॉर्म भर रहे हो, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट वो लिख दीजिए। अब यही मेन बात है फ्रेंड्स कि मैं आपको बताने वाला हूँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। करना क्या है फ्रेंड्स, इसी में अगर आपके फॉर्म में ही अटैचमेंट है तो ये अच्छी बात है, नहीं तो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में आप ये लिख लीजिए और सिग्नेचर, नहीं तो इसी फॉर्म में आप सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफिस। बार बार बता रहा था फ्रेंड्स आप समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपको एनओसी भी अटैच करके देना है, याद रखिए फ्रेंड्स एनओसी अटैच नहीं होगा तो आपके फॉर्म एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, आपको आपका जो फॉर्म है डिसक्वालीफाई करके वहीं से सेंड कर दिया जाएगा आपके फॉर्म में कट करके। तो याद रखिए फ्रेंड्स ऐसा गलती मत करिएगा, जब भी एनओसी बनाया जा रहा है एनओसी आपको सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ ऑफिस, मैंने बताया फ्रेंड्स हेड ऑफिस से आपको सिग्नेचर करवाना है। यहाँ पे जो सिग्नेचर करवा लेने के बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डेट और प्लेस लिख के आप फॉर्म को भेज सकते हो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा, समझ में आया? अगर कोई भी और भी जानकारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और डिटेल में वीडियो चाहिए और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा, ताकि अभी देखिए फ्रेंड्स मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि मैं ऑफिस में रहता हूँ, कुछ कामें करता रहता हूँ, पढ़ाई करते रहता हूँ, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कार्य होते हैं तो उसमें थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा फ्रेंड्स। और मैं जितना हो सके सीआरपीएफ क्वेश्चंस के आंसर मैं लेके आता रहूँगा, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ दोनों के क्वेश्चन के आंसर लेके आते रहूँगा, और वीडियो वो आप मिस मत करिएगा क्योंकि उसका एग्ज़ाम कुछ जल्द ही होने वाला है, अप्रैल में होने वाला है, और वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।